नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ सोनी श्रीवास्तव। अधिवक्ताओं ने डीएम संबल के नाम से लगाए हाय हाय के नारे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि सरकार में तानाशाही नहीं चलेगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। संबल में बार एसोसिएशन संबल की एक मीटिंग ई लाइब्रेरी में संपन्न हुई, जिसके बाद एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि संबल जिलाधिकारी द्वारा जो आदेश पारित किए गए हैं वह आदेश नहीं बल्कि तानाशाही है। बीते वर्ष 1978 से अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में चल रहा जिलाधिकारी न्यायालय 1 फरवरी से बहजोई में संचालित करने का आदेश जो पारित किया गया है वह संबल असमोली क्षेत्र के आम नागरिक व कृषकों के लिए घोर नाइंसाफी है तथा इसे चुनाव प्रक्रिया पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि क्षेत्र की जनता के हितों में संरक्षण के लिए 24 जनवरी को अधिवक्तागण अपने चैम्बर बंद करके जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरोध स्वरूप न्यायिक कार्य से विरत रहकर प्रदर्शन करेंगे। किसी की पावर नहीं है। मैं आप लोगों से बस एक ही अपील करूंगा कि एकता के साथ एक साथ मिलकर नारा लगाएं, अधिवक्ता एकता, अधिवक्ता एकता, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, डीएम बंसल, डीएम बंसल। साथियों, वो यहाँ संबल के विरुद्ध काम कर रहे हैं, संबल की जनता के विरुद्ध काम कर रहे हैं और यहाँ जो आने वाले इलेक्शंस हैं उनमें वो यहाँ की जनता के आदेश को वापस लें और संबल की जनता के साथ जो भी अन्याय होगा उसके लिए हम वकीलों जनता के साथ खड़े हैं। कभी कोई अन्याय नहीं होने देता है और यहाँ से आने वाली जनता जो बहजोई तक जाएगी उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई साधन नहीं है। इसलिए संभल में चारों तरफ से मिलकर न्यायालय रूप से स्थापित हुआ। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 24।